सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मेरा कन्वेंशनल बैकग्राउंड तो नहीं है और मुझे जहाँ पे अभी जगह मिली है साइलेंट वहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में जो आप सब लोगों ने सुनी है, उन स्क्रीनशॉट्स के बारे में जो आप सब लोगों ने देखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी एजेंट्स ये सब वार्निंग्स इशू कर रहे हैं कि भाई आप SOP अपना पढ़ लो या फिर आप तैयार रहना या जो भी है, वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब वहाँ पे उनके पास जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसी पे एक्ट करते हैं। तो अगर कोई एजेंट को दो चार स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर हमको कॉल आया था, तो सबसे पहले एजेंट यही करेगा कि वो सारे अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि भाई देखो SOP पढ़ लो, जब तक हम ट्रूथ क्या है वेरीफाई करते हैं तब तक एटलीस्ट आपको मालूम हो अगर आपको आंसर आता है तो आपको क्या बताना है। तो वो अभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें भी ये समझना है कि कल शायद जाके 3-4 दिन के बाद पता चले कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। और लिमिटेड क्यों? क्योंकि अभी ये भी देखा जा रहा है कि इन ये जो कॉल्स है वो सिर्फ मॉन्ट्रियल जो भी क्यूबेक के हैं उनको आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है अभी, तो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिटी है और हमें इस चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले यही करना है, देखो भाई कि आपने अगर फाइल रखी है तो आपने SOP भी रखा होगा, और अगर आपने अभी तक SOP नहीं रखा है, क्योंकि ये भी एक मैटर ऑफ डिस्कशन हो गया था कि भाई मैंने SOP रखा था, मैंने SOP नहीं रखा था इसलिए रिजेक्ट हो गया, इसलिए ये हो गया। तो अगर आपके पास SOP नहीं भी है तो भी समझ लो कि आपको अगर SOP लिखना होगा तो आप कौन से पॉइंट्स वेरीफाई करोगे, कौन से पॉइंट्स को फॉर्मुलेट करोगे, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी रखो। इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये सच में क्या फिर कॉल्स आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं किया है या फिर ऐसा कोई वेबसाइट पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाला है। तो आप देख लो कि भाई आपको SOP आपका रेडी होना चाहिए मुँह पे कि अगर आपको कॉल भी आ जाए तो आपको पता है क्या बोलना है। दूसरी बात, ये इंग्लिश की टेस्ट नहीं है, तो ये मत डरना कि मैं इंग्लिश में कैसे जवाब दूंगा या फिर मेरा इतना फ्लुएंट नहीं है या फिर मैं नर्वस हो गया तो मेरा इंग्लिश बिगड़ जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ है वो आपको अभी डरना नहीं है, ये IELTS का इंटरव्यू नहीं है आपका। ये आपको कॉल आएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसके तो मैं बता रहा हूँ 5% भी अगर चांस है, तो हमें कैसे प्रिपेयर होना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये अचानक से ऐसे कोई प्रोसेस में चेंज आ जाएगा विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो जब भी तक हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं आती, माई ओनली सजेशन टू यू इज स्टे काम एंड बी प्रिपेयर्ड विथ योर SOP। और SOP में आपने जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी है, वही सारी चीज़ें आपको बतानी है। बट मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये पैनिक करने की बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। और अगर आपको कॉल आता भी है तो भी आपको पता है अभी आपको क्या जवाब देना है और कहाँ से उसको देखना है। तो ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी।